पत्नियां बुरी होती हैं तो लोग शादी क्यों करते हैं, पत्नियां बुरी होती हैं तो लोग शादी क्यों करते हैं। अक्सर शादीशुदा लोग कहते हैं कि हम शादी करके फंस गए हैं, हम शादी करके फंस गए हैं। तू मत फंसना, पत्नियां बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति पर शक करती हैं, बात बात पर टोकती हैं, पड़ोसी से बात तक नहीं करने देती। अगर ऐसा है तो फिर बाकी लोग शादी क्यों करते हैं। पत्नियां बुरी होती है ये जानने के बाद भी कई लोग पत्नी के कंपैरिजन लड्डू से करते हैं। खाओ तो गलत, न खाओ तो भी गलत। कहते हैं जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। पत्नी का कंपैरिजन लड्डू से, बेवकूफ कहीं के। शायद उन्हें जरा भी अकल नहीं है कि आखिर ये पत्नी है, पत्नी की अहमियत क्या है। क्या पत्नी के बिना आपका घर संसार है? क्या एक लड़की एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर आपकी पत्नी घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी कहते हो? पूरा घर संभालती है आपका, आपकी एक एक चीज का ध्यान रखती है, हर चीज गलत जगह से उठाकर सही जगह रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है, आपको बेटी बेटों की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपको हर गलत कार्य करने से रोकती है। अगर आप अकेले हों तो आपको पत्नी होने के बावजूद भी आपको बहन भाभी माँ के जैसा प्यार देती है, बहन भाभी माँ के जैसा प्यार देती है। आपकी सैलरी कम हो तो भी वह चूं तक नहीं करती, आपके बुरे वक्त में दुख दर्द में साथ देती, यहां तक कि बीमार होने पर आपको बच्चों से भी बढ़कर प्यार देती है, आपका पूरा घर परिवार संभालती, आपका पूरा घर परिवार संभालती है। फिर भी कई बेचारम लोग कहते हैं कि पत्नी बुरी होती है, कि पत्नी बुरी होती है, गलत होती है, टोकती है। अरे अरे, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी नहीं ना, इसमें बुरा क्या है, इसमें फायदा किसका है, आपका ही है ना। फिर आपकी पत्नी गलत या बुरी क्यों? पत्नी कोई लड्डू नहीं है, पर वो भगवान के अनमोल देन है जो नसीब वालों को ही मिलती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो खुद को खुशकिस्मत कहिए, खुद किस्मत समझिए, भाग्यवान समझिए कि कोई तो आपकी केयर करने वाला है, कोई तो आपका साथ देता है, वरना आपके माता पिता के बाद आपको कौन पूछेगा भाई। हिसाब कीजिए कितने घर के भाई आजकल एक साथ रहते हैं। आपकी बहन जो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, पत्नी नहीं तो अकेले ही रहोगे, पागल हो जाओगे, खुद के बाल नोचने लगोगे, बीमार होगे, बेड पर होगे, तो कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पत्नी का रिस्पेक्ट करें, पत्नी को हर खुशी दे। पत्नी बुरी नहीं, बहुत ही भोली होती है। आपका हम सफर आपका जीवन साथी, आपका हम सफर आपका जीवन साथी, आपके दुख सुख का साथी। उम्मीद करते हैं शादीशुदा लोग खुद को भगवान समझेंगे और अपनी पत्नी से कभी भी गलत बात या गलत व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि पत्नी के सिवा आपका घर नहीं संसार नहीं, आपका घर नहीं संसार नहीं, और आप पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं, और आप पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं। पत्नियां बुरी होती हैं। फॉरवर्ड पोस्ट, सुनीता ठाकुर, लेखक अज्ञात, वीडियो रूपांतरण एवं स्वर पूरणमल पारिक, जवान भाई। जी हाँ बंधुओं, दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।